तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, ठीक है। तो मैथ के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपका जो भी टारगेट हो तो उसको आप अच्छे तरीके से अचीव कर पाए, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी हमारा कि इस वीडियो में मैं अधिकतर से अधिकतर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मैथ में प्रोवाइड कर सकूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैथ का पोर्शन बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो इसलिए दो तीन वीडियो लग सकेंगे पूरा क्वेश्चन कवर करने में। इसलिए जो भी वीडियो में मैथ का डालूंगा उसको पूरा देखना है आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करते चलना है। और साथ ही साथ क्या करना है आप लोगों को कि इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। क्योंकि लगातार प्रोवाइड की जा रही है, बहुत मेहनत लग रहा है इन सारे वीडियोज को बनाने में, तो लगातार हम आपको वीडियोस देते रहेंगे अच्छे से अच्छे। बस आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश भी आप लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है इसमें कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती समीकरण है, मतलब ये जो इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व करने के बाद हमको बताना है कि यह जो समीकरण होगा वो द्विघाती समीकरण होगा। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण से क्वेश्चन आता है, पूछता है इस तरह कि हल कीजिए बताइए कि द्विघाती समीकरण है। सबसे पहले मैं मोटा मोटी में एक बात बता देता हूँ आप, ताकि दिमाग में आपके एक इमेज बन जाए कि ये द्विघाती समीकरण होते क्या है, ठीक है। बस द्विघाती समीकरण, तभी तो आप जान पाएंगे कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं, नहीं तो कैसे बता पाएंगे कि द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण दोस्तों क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, समझ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। यहां पे लिख भी सकते हैं कि जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, ठीक है, ए और बी सी क्या है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, ठीक। और ए जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो यह ए में तब जीरो का गुणा एक्स स्क्वायर में तब जीरो का गुणा करने पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा सिर्फ, इसीलिए ए जो होता है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर दोस्तों इस समीकरण को हल करते हैं, अगर यह आ जा रहा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो हम आराम से कह देंगे कि ये जो समीकरण है ये क्या है, द्विघाती समीकरण है, ठीक है। चलिए हल करते हैं, अब हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दू एक्स बराबर माइनस दू और एक कोष्टक में तीन माइनस एक्स है, ठीक है। चलिए हल करते हैं, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस दू एक्स है तो ये सही उतर जाएगा बराबर। देखिए इस माइनस दू का गुणा इस तीन में करेंगे तो देखिए तीन के आगे कुछ नहीं होता, प्लस छिपा रहता है, तो माइनस गुणा इस प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और दू का गुणा तीन में करेंगे तो दू त्याई छः, फिर इस माइनस गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और दो को गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा यह दो एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स, यह माइनस छः जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस छः, आइया प्लस दो एक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस दो एक्स, अब बराबर दोनों इधर चलाए तो बचा का इधर जीरो बच गया। अब करना है सिंपली आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स और माइनस दो एक्स हो जाएगा आपका माइनस चार एक्स और प्लस छ बराबर जीरो। अब लास्ट में हमारा बच गया हल करने पे इतना। अब देखिए इसे आप उस समीकरण से तुलना करिए कि इतना हो रहा है तो इसके नीचे समीकरण लिखिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। देखिए इस रूप का है कि नहीं, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी तुलना तब हम करेंगे तुलना करने पर, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस यक्स क्या कुछ नहीं होता, तो एक तो छिपा होता है, ठीक है, तो यक्स से यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ गया एक, ए बराबर क्या गया है एक आ गया, आया यक्स से यक्स कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ गया माइनस चार, और देखिए सी बराबर क्या आ गया छः आ गया। तो जैसा कि दोस्तों जान पा रहे हैं कि ए बराबर एक बी बराबर माइनस चार सी बराबर क्या आ गया आपका छः आ गया, मतलब कि क्या हो गया यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कि हाँ ये क्या द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस रूप का यह है, तो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे इसलिए यह एक द्विघाती समीकरण है, यह एक द्विघाती समीकरण है, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है और कितना अच्छा से आपको समझ में भी आ गया, ठीक है, मतलब 1% भी कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, बस आराम से आप पढ़ते रहिए, 1% आपको दिक्कत होने नहीं देंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो क्वेश्चन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन भले ही सिंपल है ठीक है, लेकिन इस निर्धारित है कि आएगा ठीक है, एकदम 100% कि आएगा, तो इसलिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग का अनुभव भी बन जाए। और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट जो इसे बनाना नहीं जानते वो भी सीख लेंगे ठीक है, कि किस प्रकार इसे बनाया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके मैं आसानी से आप लोग दिखाऊंगा। करेक्ट, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करके इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। तो दोस्तों जैसा कि जान पा रहे हैं आप कि यहाँ पे दिया है आपका साइन 18 अंश और बटे में क्या दिया है यहाँ पे कॉस 72 अंश ठीक है, साइन 18 अंश और क्या दिया है कॉस 72 अंश। अब सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे कि देखिए साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अब समझिए बात को, साइन 18 को हम ये लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं साइन 18 को, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा, साइन 18 हो जाएगा कि नहीं, तो साइन 18 को हम खूब अच्छे से साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और ये जो कास 72 है इसे कास 72 ऐसे रहने देंगे ठीक है। अब यही जस्ट एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों ठीक है, और फार्मूला बनता है यह कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है कास ए होता है ठीक है, इसको फार्मूला को याद कर लीजिए आप लोग, साइन 90 माइनस 1 कास है, तो बताइए साइन 90 माइनस 72 अंश है तो कास 72 अंश होगा कि नहीं, देखिए साइन 90 माइनस 72 अंश तो क्या हो जाएगा कास 72 अंश, जैसे साइन 90 माइनस 1 कास से हुआ है तो साइन 90 माइनस 72 कास 72 हो जाएगा, और ये बटे में कास 72 जो है कास 72 नीचे ऐसे रहेगा। अब कास 72 से कास 72 कैंसिल, तो बचा क्या आपका एक, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको एकदम अच्छे ढंग से क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये क्या दिया है, ये दिया है हमको 10 26 अंश और बटे में काट 64 अंश ठीक है। दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन थे और जब भी दो ये जो मान दिया है 64 और 26 अंश, दोनों का मान कितना अंश आ रहा है 90 अंश आ जाए, देखिए जैसे यहाँ पे भी 18 अंश और 72 अंश का मान 90 अंश आ रहा था और 64 और 26 भी जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन में 90 अंश मान आ गया समझ लीजिए कि इसी फॉर्मेट से ये क्वेश्चन लगने वाला है ठीक है। देखिए 10 26 अंश, तो 10 26 अंश को हम लिख सकते हैं भाई 90 माइनस 64 अंश लिख सकते हैं कि नहीं, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 बढ़ जाएगा, तो हम 10 26 अंश को 10 90 माइनस 64 खूब लिख सकते हैं आराम से। अब बटे में क्या दिया है काट 64 अंश, काट 64 अंश लिख देंगे। अब देखिए 10 90 माइनस 64 अंश, तो एक फार्मूला होता है इसका आप याद कर लीजिए, फार्मूला होता है कि 10 90 माइनस ए रहेगा तो हो जाएगा कॉट ए ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 10 90 माइनस ए कॉट ए हो जाता है, तो 10 90 माइनस 64 अंश तो कॉट 64 अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट 64 अंश। अब बटे में आइए क्या है कॉट 64 अंश है ही, तो अब कैंसिल हो गया क्या जाएगा एक आ जाएगा ठीक है। तो जब भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमेशा एक आता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया 90 अंश दोनों का योग बन रहा है तो समझिए आंसर एक आएगा, लेकिन एक लिखना नहीं आंसर में, आपको इस तरह हल करके दिखाना पड़ेगा तब तो एग्जाम में आपको देगा नंबर, ऐसे थोड़ी देगा कि बस उत्तर लिख देंगे तो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन दूसरा भी आपको क्लियर हो चुका होगा, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि एक एक बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर उसे देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं आप लोगों को ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना एग्जाम हॉल में ठीक है, लापरवाही नहीं करनी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है ठीक है, इसे आपको ध्यानपूर्वक समझ के चलना है। आप देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन भी लिखा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को रोक के अपने से लगाएं ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, देखिए बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, देखिए बिंदु पी पे क्या है एक स्पर्श रेखा क्या है पी क्यू, अगर ओ से जाने वाली एक स्पर्श रेखा, देखिए ओ से जाने वाली एक स्पर्श रेखा क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर, देखिए ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और
ओ क्यू आपका 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या ओपी 5 सेंटीमीटर दी जाएगी। हमसे पूछा क्या है, पी क्यू की लंबाई, मतलब यहाँ पी से एक क्यू की लंबाई पूछा हमसे, मतलब ये वाली लंबाई पूछा हमसे, ये लंबाई कितनी होगी। तो देखिए कितना सिंपल है, मैं बताता हूँ आप लोग किस प्रकार इसे आप लगाएंगे। तो देखिए सॉल्व में, सॉल्व में कितना सिंपल है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि ओ पी क्यू, देखिए ओ पी क्यू, देखिए क्या है 90 अंश का कोण है ओ पी क्यू, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में। एक बात याद रखिए कि वृत्त पर कोई भी बिंदु है और उस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची गई है, अगर स्पर्श रेखा से और उस त्रिज्या से अगर लंब डाल रहे हैं तो समझिए कितना उसका कोण बनाता है 90 अंश, तो इसलिए 90 अंश का बनाया था, क्या हो गया समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में हमको निकालना क्या है, यह देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, कर्ण दिया है, लंब दिया है, हमसे पूछा क्या है आधार पूछा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। देखिए तो आधार यहाँ पे क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है यहाँ पे ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर माइनस लंब कितना है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाएंगे आप लोग। अब देखिए पी क्यू, पी क्यू तो हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर ओ क्यू, ओ क्यू का कितना बल दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, अब माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। चलिए तो पी क्यू स्क्वायर बराबर, तो 144 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 9 5 14 और यहाँ कितना बचेगा 3 1 और 1 कितना हो गया 119, 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 बच जाएगा। हमको पी क्यू के वैल्यू निकालना है, तब पी क्यू के वैल्यू निकालेंगे तो यह वर्ग है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर करणी में 119 सेंटीमीटर। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हमसे पूछा था पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू की लंबाई करणी में 119 सेंटीमीटर होगा। तो यह देखिए इस प्रकार क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या बताया जाए, ठीक है, ये एकदम आपको मतलब प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसे हल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कॉस ए बाई 2 के, तो इसके बराबर इतना हमको अब क्या करना है, इसको दिखाना है। तो चलिए कैसे होगा, तो इसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे सॉल्व लिखता हूँ और इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कितना सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से। जैसा कि दोस्तों आप जान पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे दिया है ए कमा बी तथा सी, ए कमा बी तथा सी जो है वह जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है, ठीक है। जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे ऐसे दिया, मतलब जैसे त्रिभुज है यह अंतः कोण दिया, मतलब यह ए हो गया और ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया सी, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम आराम से नहीं लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कंडीशन कि त्रिभुज के अंतः कोण हैं, त्रिभुज के अंतः कोण हैं, त्रिभुज के अंतः कोण हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, दोस्तों यहाँ से बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बराबर 180 अंश, ए जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये इतना हो गया, ठीक, हमको सीध क्या करना है इसके बराबर इतना। तो चलिए एल एच एस है या आर एच एस है, तो एल एच एस लेता हूँ, एल एच एस लेने पर का मतलब कि एल एच एस क्या हमको दिया है कि साइन बी प्लस सी बटे 2,
इन दिया है, इसे हल करके हमके कॉस ए बाई टू लाना है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे साइन, अब बी प्लस सी, बी प्लस सी का वैल्यू क्या आया है 180 अंश और माइनस ए और बटे दो, ए हो गया, हो जाएगा कि नहीं, बी प्लस सी का 180 माइनस ए और बटे दो है तो दो लिख देंगे। अब देखिए इसे क्या तोड़ेंगे, साइन ये दो बार में हो जाएगा, 180 बटे दो इसे लिख सकते हैं और इसे क्या ए बाई दो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, इतना तो जानते हैं आप लोग। अब इसे कटा देंगे तो 90 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश और माइनस ए क्या हो जाएगा ए बाई टू, ठीक है। अभी दोस्तों एक फार्मूला होता है जैसा कि जानते हैं आप लोग कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, ठीक है, फार्मूला होता है साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो साइन 90 माइनस ए बाई टू जो है इसके बराबर क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू। अगर साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए है, जो ये होता है यही मान होता है कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए, तो साइन 90 माइनस ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ठीक है। आइए हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, कॉस ए बाई टू लाना था, देखिए कॉस ए बाई टू आ गया, तो कितना सिंपल है, इस तरह हम लिखेंगे प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, यहाँ से सिद्ध हो गया ये चीजें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से, मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई सवाल ऐसा भी नहीं सकता कि जो डिफिकल्ट आप लोगों को लगे, ठीक है, आराम से बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो चुका होगा, अब हम अगले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा, अब जितनी तारीफ करूं उतनी कम है इस क्वेश्चन की, क्योंकि दोस्तों ये 5-7-8 बार क्वेश्चन पूछ गया है, ठीक है, एग्जाम में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और एग्जाम हाल तक जाते जाते इसे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप इसको आराम से लगा सकें। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे लगाना है आप लोगों को, देखिए सॉल्व में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि आकृति 10.11 में, मान लीजिए आकृति 10.11 है, यदि टीपी, यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, देखिए केंद्र ओ वाले ये जो वृत्त है इस पे ये जो टीपी है और टीक्यू ये दोनों क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है, इतना तो जानते हैं आप लोग स्पर्श रेखा है। आई इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू कितना अंश है 110 अंश, तो पीटीक्यू मतलब ये पीटीक्यू इसका क्या करना है बराबर है, मतलब यह इसका मान ज्ञात करना है आपको, ऑप्शन दिया 60 अंश 70 अंश 80 अंश 90 अंश। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार इसे हल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि जो कोण पी है वह बराबर होगा कोण क्यू के, अब कहेंगे कि सर ऐसे कैसे लिख दिए कि कोण पी जो होगा कोण क्यू के क्या होगा बराबर होगा, हाँ तो दोस्तों ये बराबर होता है, कितना अंश है 90 अंश, ठीक है, कोण पी जो है कोण क्यू के बराबर है 90 अंश है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं, यहाँ पे लिख दूं लंबवत होती है, देखिए एक एक चीज बारीकी से समझेंगे हम लोग ताकि आपको इस सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मतलब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं आए जो स्पर्श रेखा अगर इसको आप मिला रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं जो स्पर्श रेखा पे क्या होती हैं लंबवत होती हैं, इसलिए जो पी और कोण क्यू की क्या होगा बराबर होगा लंबवत मतलब 90 अंश, तो कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कितना 90 अंश, तो कोण पी और कोण क्यू दोनों बराबर हैं, कितने अंश के हैं 90 अंश के, यहाँ से तुम्हारा हमको चल गया। और यहाँ पे हमको दिया है कि कोण पी ओ क्यू बराबर कितना 110 अंश, ये हमको क्या है ये दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हम ये क्या है दिया है, ठीक है। अब चलिए अब दिया है तो किसे हल करते हैं, देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक चतुर्भुज बन रहा है, देखिए चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 भुजाएं चतुर्भुज बन रहा है, तो हम इसको आराम से लिखेंगे कि कोण पी अधन कोण क्यू अधन कोण पी ओ क्यू पी ओ क्यू अधन पी टी क्यू बराबर 360 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं आप बताइए, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है, तो कोण पी और कोण क्यू और कोण पी ओ क्यू ये वाला कोण और पी टी क्यू ये वाला कोण इन चारों का योग कितना होगा 360 अंश। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कोण पी का मान कितना होता है 90 अंश, सभी में लिखा हूँ कोण पी और कोण क्यू दोनों बराबर है तो 90 अंश, और कोण क्यू भी कितना था 90 अंश, अब प्लस पी ओ क्यू है पी ओ क्यू दिया है कितना 110 अंश, हमको वैल्यू किसका निकालना था पी टी क्यू का,
तो पी टी क्यू बराबर 360 अंश, ठीक है। और 90 180, 180 में 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह 290, और प्लस कोड पी टी क्यू बराबर 360 अंश, ठीक है। अब यहां से हम निकाल देंगे वैल्यू कोड पी टी क्यू का, तो पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश और माइनस 290 अंश, ठीक है। और कोड पी टी क्यू, अब 360 में से 290 घटेगा कितना बचेगा 70 अंश, ठीक है। हमसे वैल्यू किसका पूछा था, ये तो पूछा था कोड पी टी क्यू बराबर है, पी टी क्यू बराबर है, तो यहाँ निकल गया पी टी क्यू 70 अंश, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसे हम क्या करना है, हल करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं है, पी बराबर क्यू मान देना है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंबवत होती है। अब पी ओ क्यू 110 अंश दिया ही था, और चारों का योग 360 अंश होता है, बस इसका वैल्यू रखे हैं और पी टी क्यू का वैल्यू निकल गया है। तो यह क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छी ढंग से, और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करके भी जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक तो करते रहिए, ठीक है, लाइक कीजिए शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इतने मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, कितना डिफिकल्ट भी है और बहुत शानदार भी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार है। सबसे पहले घड़ी, घड़ी कैसे होती है, गोल होती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्या है, घड़ी है, सही नहीं बनना, मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी है और कह रहा है कि ये घड़ी की मिनट की सुई, कौन सी मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि मिनट की सुई है यहाँ पे है, इसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर घड़ी की सुई दी है, मिनट वाली सुई, कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में, मान लीजिए यहाँ पे और 5 मिनट बाद ये चलते 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 कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो 5 मिनट में कहाँ जा रही है, ये यहाँ आ जा रही है, यहाँ से चल के 5 मिनट में कहाँ जा रही है, यहाँ पे आ जा रही है। और जब यहाँ पे आ रही है तो कह रहा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब कितना वो क्षेत्रफल रचित किए, ये वाला कह रहा है कि क्षेत्रफल हमको ज्ञात कीजिए, 5 मिनट कितना रचित किए। तो देखिए मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मजा भी आ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना, 5 मिनट में। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉल्व इसे हल करते हैं, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश की जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि घड़ी की मिनट सुई, घड़ी की मिनट सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया भैया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अब यह घड़ी की लंबाई है तो त्रिज्या तो हुई, देखिए वृत्त से परिधि मिलाएंगे तो त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हो गया। तो ये लिखे हैं घड़ी की मिनट सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब 5 मिनट में रचित कोण, क्योंकि कोण निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा, फार्मूला तो जानते ही आप लोग, 5 मिनट में रचित कोण, ठीक है 5 मिनट में रचित कोण। अब कोण निकालेंगे तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मिनट वाली सुई है, अब मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है, पूरा चक्कर कितने अंश का होता है 360 अंश का, तो 60 मिनट में पूरा चक्कर 360 अंश का लगा देती है, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाई गई थी, 1 मिनट में 360/60 कैंसिल, अच्छा छोड़ेगा 36, मतलब 1 मिनट में वो कितना अंश का लगाएगी 6 अंश का, तब 1 मिनट का 1 मिनट में 6 अंश का कोण, 1 मिनट में वो कितना लगाएगी 6 अंश का कोण, तब 5 मिनट में कितना लगाएगी, तब 5 मिनट में, तब 5 × 6 कितना अंश का 30 अंश का कोण वो तय कर लेगी। तो 5 मिनट में रचित कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। अब कुछ नहीं, हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये त्रिज्यखंड ही ना बना, देखिए त्रिज्यखंड बना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यह होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि थीटा कितना दिया था 30 अंश,
बटे 360 अंश। आप पाई का मान कितना होता है 22/7, और त्रिज्या कितना दिया 14, तो क्या हो जाएगा 14 × 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 14 × 14 लिख देंगे। 7 × 2 = 14, 0 से 0 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12। अब कटाइए 2 × 6 = 12, 6 बार में कट गया, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। अब गुणा कर दीजिए तो 7, अब बचा क्या इधर 22 × 7 और बटे 3 ही तो बचा। अब करेंगे तो 7 × 14 और 7 × 14 = 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भाई क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा आंसर। यही 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इसका निकल गया। तो अब बताइए कोई दिक्कत हुआ अब तक सवाल में, 1% दिक्कत नहीं होगी जब तक मैं रहूंगा, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूंगा, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7वें को उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के ही जान गए आप लोगों की कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि इसको हल करके आपको इतना लाना है, ठीक है। LHS बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, RHS सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट समझाता चलूंगा आप लोगों को, एक फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आराम से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सॉल्व में लिखेंगे LHS, ठीक है, LHS लेने पे आराम से उतारेंगे आप लोग एक एक पॉइंट। LHS लेने पे LHS आपका क्या है, तो है कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हल करके हमको 1 − cos θ और बटे 1 + cos θ लाना है। चलिए हल करते हैं। अब देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin θ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फार्मूला होता है भैया, ठीक है, फार्मूला होता है कि हम साइन थीटा को 1/cosec θ लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को हम 1/sin θ लिख सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे जानते होंगे, तो कोसेक थीटा को मैंने 1/sin θ में लिख दिया, और माइनस cot θ का फार्मूला एक होता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग, cos θ / sin θ होता है कि नहीं, तो cot θ को मैंने cos θ / sin θ और क्या दिया होल स्क्वायर में होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, हो गया, इतना काम आप लोग कर लिए। अब आगे क्या करना है वो चीज देखिए। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो sin θ sin θ, तो LCM क्या हो जाएगा इसका sin θ, तो sin θ sin θ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस, यह साइन से यह sin θ कट गया, तो बचा गया cos, तो cos θ, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको करना क्या आगे चीजें समझते चलिए। 1 − cos θ अपटे sin θ का होल स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओर लिख सकते हैं कि 1 − cos θ इसका का भी होल स्क्वायर अपटे में sin²θ, मतलब sin²θ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो sin²θ हो गया। अब आपको करना क्या है चीजें आप समझते रहिए। यह तो 1 − cos θ के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से फार्मूला बन गया sin²θ, और sin² का थीटा का फार्मूला क्या होता है कि 1 − cos²θ फार्मूला होता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग, sin²θ बराबर 1 − cos²θ, यह फार्मूला होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या किए हैं, sin²θ को 1 − cos²θ में तोड़ दिए, ठीक है, अब यहाँ तोड़ दिए हम। अब देखिए क्या होता है, देखिए 1 − cos θ का स्क्वायर करना है, तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, नहीं हम, तो इसे हम लिख सकता हूँ कि 1 − cos θ एक कोष्टक में, 1 − cos θ एक कोष्टक में, 2 बार लिख सकता हूँ स्क्वायर। अरे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2, यही 2 बार तो लिखते हैं। इसी तरह 1 − cos θ का स्क्वायर है, तो 1 − cos θ लिख सकता हूँ, और यहाँ पे देखिए cos²θ और 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 का स्क्वायर − 20 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर − 20 का स्क्वायर क्या होता है कि a + b और a − b, यही तो होता है। तो चलिए एक ठीक में जोड़ दीजिए, एक ठीक में घटा दीजिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि 1 − cos θ एक ठीक में घटा देंगे, और 1 + cos θ एक ठीक में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 − cos θ से 1 − cos θ क्या हो गया आपका कैंसिल, अब बचा क्या आपका, तो ऊपर बचा 1 − cos θ और नीचे बचा 1 + cos θ, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो ध्यानपूर्वक देखिए, तो a − cos θ अब a + cos θ, यहाँ पे भी आया a − cos θ a + cos θ, ये तो हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
इसलिए LHS बराबर RHS, hence proved हो गया कि नहीं। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे भी होंगे, ठीक है इस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर सातवां क्लियर होता हुआ, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सातवां आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आठवीं, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठवां। तो देखिए क्वेश्चन आठवां क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या में कोई एक ना कोई एक बड़ी संख्या होगी, कोई ना कोई एक छोटी संख्या होगी। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x, और छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं y। तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो बताइए बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो अंतर निकलता है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है मतलब बड़ी में से अगर छोटी घटा दूं तो क्या हो जाएगा 26, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। इसे क्या मान लिया जाए, समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है, एक संख्या मतलब जो x है वो दूसरी की मतलब y की कितनी गुनी है, तीन गुनी, तो x बराबर 3y, ये भी निकल गया। तो इसे मान लीजिए समीकरण दूसरा मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है, तो यही दिया था कि दूसरी की तीन गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी की तीन गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब सिंपल करना क्या है कि x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो आप लिखेंगे समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर तो दो का वैल्यू क्या है, दो का मान समीकरण एक में, तो एक में रखना है तो एक क्या दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 26 दिया है, जहाँ पे भी एक्स रहेगा जब हम 3y लिख देंगे तो एक्स आ गया, तो क्या लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y गया तो क्या बचेगा 2y बराबर 26, तो यहाँ से y बराबर क्या निकल जाएगा 26 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 26 कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 13, तो y बराबर 13 आ गया। तो अब y का वैल्यू किसी समीकरण में रख लीजिए, तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पे, अतः समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण दूसरा क्या है कि x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और गुड़े y आ गया, तो y का वैल्यू कितना दिया था 13, तो x बराबर 13 दिया 39, तो x बराबर 39 आ गया, y बराबर 13, तो इसलिए बड़ी संख्या हम क्या माने थे x, तो x बराबर क्या गया 39, और छोटी संख्या हम वाई मानते तो वाई बराबर क्या गया 13। तो ये कह रहा था कि दोनों संख्या बताइए, तो एक थे 39 एक थे 13 है, ठीक है। इसका प्रूफ भी कर दीजिए, तो 39 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 26 तो आएगा, तो ये तो पूछा था, तो हमसे क्या पूछा, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो दो संख्याओं का अंतर 26 भी आ रहा है और एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है, तो देखिए ये तीन गुनी है कि नहीं, तो 13 3 39 इसके तीन गुना हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कि जो हमारा संख्या है बिल्कुल क्या आया है, सही आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आठवां भी आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा लॉन्ग करिए, इसलिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन में रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैथ में लेकर आऊंगा तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आप लोगों को, ठीक है, बीच में यानी कि वीडियो रोक के चले जाए कहीं पे, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तुरंत बैठिए, रफ कॉलम कॉपी लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का ही आपका दौर है इस समय, ठीक है। 2 महीने रिक्वेस्ट आपसे है कि 2 महीने मान जाइए, ठीक है, 2 महीने पेपर है, 2 महीने किसी तरह मेहनत करके पढ़ लीजिए या अच्छा स्कोर बन जाए आपका, बस मैं यही कामना करना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। मैं इतना जल्दी आपको पीछे छोड़ूंगा नहीं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और लाइक तो आपको करना ही है, शेयर करना ही है, वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइबर मेरे पास ज्यादा है नहीं, लोग हमारे पास जुड़ेंगे तब वीडियो मेरी रैंक करेगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। चलिए तो उम्मीद करता हूं आप सारे बातें समझ रहे होंगे हमारी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से,
अब हम क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बताऊं आपको समझ में ना आया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला यह है, कह रहा है कि संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया अच्छे से, अब मैं आपको एक नॉलेज बताता हूँ। देखिए जब भी हम लोग भाग देते हैं तो बीच में क्या आता है आपका भाज्य, और यहाँ पे क्या होता है आपका भाजक। ठीक है, और यहाँ क्या होता है आपका भागफल। ठीक है, और नीचे डॉट 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 यहाँ पे क्या बचता है आपका शेषफल बचता है। ठीक है, अच्छा शेषफल बचता है। ठीक, अब कह रहा है कि संख्या इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब 716 कहाँ होगा, यहाँ पे 716 क्या क्या हो गया, भाज्य हो गया। कह रहा है कि इसको किस संख्या से भाग दें, भाजक हमको मालूम नहीं है, भाजक हमको क्या करना है, निकालना है कि भागफल 21 हो, ये जो भागफल कितना हो जाए 21 हो जाए, भागफल कितना गया 21, अतः शेषफल कितना हो 23 हो, शेषफल 23 बच गया। ठीक, इतना चीज आप लोग दिमाग में इमेज बन गया कि हाँ भाज्य कौन है, भागफल कौन है, शेष, इतना दिमाग आपकी इमेज में बन गया। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या दिए थे, उन्होंने कहा था कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही ना होता है धन शेष, यही होता है। अब देखिए कितना सिंपल है, भाज्य कितना दिया है 716, हम 716 उतार लेंगे, बराबर भाजक, भाजक पूछा है तो भाजक को हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, भाजक को क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। आई इंटू भागफल, भागफल कितना दिया 21 है तो 21 लिख लीजिए, अब प्लस शेषफल कितना 23 है तो 23 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए इधर बचा आपका 716, ये 23 प्लस में इधर भेज देंगे तो 23 कहाँ पे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बराबर 21 में तब यक्स का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 21 यक्स, यक्स आपका क्या है भाजक है, इतना जान रहे हैं ना, सही है। अब 716 में से 23, तो 716 में से 23 घटाइए तो 6 में से 3 क्या, तो कितना बच जाएगा आपका 3, और यहाँ पर कितना बचा 1, 1 में से 2 ना जाएगा हासिल देगा तो 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, यहाँ पे 693 बराबर 21 यक्स बच गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 693/21। ठीक है, अब यक्स बराबर कितना होगा तो कटाइए, कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे इसे कटाएंगे तो 693 में जब 21 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 × 3 और 3 × 2 = 6, यहाँ बच जाएगा कितना आपका 6 और यहाँ पे 3, फिर 21 = 63, कितना बार में कट गया 33 बार में, तो x बराबर कितना गया 33 आ गया। और x को हम क्या माने थे, भाजक माने थे, ये तो हमसे पूछा है भाजक 33, तो हमसे क्या पूछा था कि संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित करें, मतलब किस संख्या से, जिस संख्या से विभाजित करते हैं वही तो भाजक कहलाता है, अब भाजक मेरा क्या निकल गया 33, मतलब उसे 33 अगर विभाजित कर देंगे तो आपका भागफल 21 तथा शेषफल 23 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग एकदम चुटकी में उड़ा देंगे अब, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि यदि संख्याओं 480 और 685 के मशक को 480x-475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर 480 और 685 का मशक जितना होगा और उसको हम इसके बराबर कर दें तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करते समय सबसे पहले हम ये करेंगे कि 480 तथा 685 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल में मस निकाल था, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक अगुणे भागफल और धन कितना होता है शेष, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे इसको मस निकालते हैं। तो भाज्य कितना है 685, तो 685 बराबर भाजक कितना है 480 अगुणे भागफल कितना है 1 1, धन शेष कितना है 205, और शेष को हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है क्योंकि शेषफल अभी 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे आर जो है 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इतना कर लेने के बाद क्या करते हैं, अब इसमें अब शेषफल 0 नहीं आया तो अब 480 का भाग देते हैं 205 से, तो अब देखिए 480 में 205 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा,
दो बार भाग जाएगी तो पाँच दुनी के दस और दो दुनी के चार कितना आ जाएगा 410। यहाँ से बच गया जीरो, यहाँ से बच गया आपका सात, ये कैंसिल 70 बच गया। अब इतना में हम लोग यूक्लिड वैल्यू लगाएंगे तो अब भाज्य क्या हो गया यहाँ पे 480। तो 480 बराबर 205 गुड़े भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 70। और कंडीशन आर जो जीरो के बराबर नहीं है, शेषफल कहाँ जीरो के बराबर नहीं है, अभी हम लोग मसा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब नहीं है तो फिर अब क्या किया जाएगा कि अब 70 आ गया यहाँ पे, अब 70 का भाग अब हम देंगे लोग किस में देंगे 205 में देंगे। अब कितना बार जाएगा तो 7 × 21 210 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 × 2 = 14 कितना 140 दो बार जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 5 और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6 आप लोगों का, और यहाँ से कैंसिल कितना बच गया 65। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ फिर इक्लूड लगाया जाएगा तो अब किसको, अब 205 यहाँ पे भाज्य हो गया, तो 205 बराबर कितना 70 गुड़े और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 65। कंडीशन वही रहेगा कि आर जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर अब भाग देंगे हम, अब 65 का भाग अब 70 में देंगे तो 65 कितना बच गया 5। अब फिर लगाएंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा आपका 70 बराबर 65 गुड़े 1 और प्लस 5 यही ना होगा, और आर जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन बड़ा लेकिन इंपॉर्टेंट है, यही आने वाला है, आपको छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान प्रयोग देखिए, आप 5 का भाग देंगे 65 में तो कितना 13 × 5 = 65, ठीक है। आप कैंसिल हो गया, किससे कट गया 5 से, अब 5 से जो कट जाता है वही इसका क्या होता है मसा होता है। तो एक बार और लिख लेते हैं कि 65 बराबर 5 गुड़े 13 और धन 0, यहाँ पे जो शेषफल है 0 के बराबर है, तो जब जिससे शेषफल 0 के बराबर हो जाता है जिससे भाग गई होती है वही मसा होता है। तो यहाँ पे शेषफल, अरे यहाँ पे अब 5 से विभाजित हो गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 480 या कामा 685 का जो मसा है, एचसीएफ जिसे बोलते हैं, वो कितना गया 5। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या, क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि यदि संख्याओं 480 और 685 के मसा को 480x − 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब इसका मसा हम लोग मालूम कर लिए, मसा कितना आ गया 5, आइए यही मसा किसके बराबर होना चाहिए इसके, तो बस अब कर देंगे सिंपल सा। तो हम लोग लिखेंगे 480x − कितना था 475 बराबर मसा इसका कितना 5। अब देखिए कितना सिंपल सा हो जाएगा, तो 480x बराबर 5 माइनस 475 उधर जाएगा तो प्लस 475 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 480x बराबर, अब देखिए 475 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480। अब x बराबर कितना हो जाएगा 480, और ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 480/480 अब कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। आइए हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, नहीं पूछा था x का मान, तो एक्स का क्या मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब छोटे छोटे एक दो लाइन के क्वेश्चन थोड़ी रहेंगे, वो विकल्पीय में रहेगा कि और सारे क्वेश्चन थोड़ी देंगे, तो सारा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। आई इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है आपको बताने में, ठीक है। आई इस प्रकार ही हल करना है तब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा, जैसे पहला समझ में आया था। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए, और कंटिन्यू बने रहिए, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपको जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 105 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। देखिए बहुत ही सिंपल इसका सलूशन है, बहुत अच्छा से आप कर पाएंगे इसको, एक बार वीडियो को देख लेंगे। तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा हमसे, ठीक है, कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दो संख्या दिया है, एक 70 दिया है और 125, दो संख्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि क्रमशः भाग देने पर, मतलब अगर 70 को भाग दे रहे हैं किस संख्या से कितना शेषफल 5 शेषफल बच रहा है, 125 को किस संख्या से भाग देना था शेषफल कितना 8 बच रहा है, ठीक है। मतलब संख्या एक ही होनी चाहिए, अगर उसी संख्या से अगर हम 70 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 आना चाहिए, और उसी संख्या से अगर 125 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 8 होना चाहिए। वो संख्या कौन सी है वही संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल देखिए क्या करना है कि अगर उस संख्या में 70 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना 5, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या में से आपको जो शेषफल बच रहा है उसका उसको माइनस कर देना है, कितना बचेगा यहाँ से 65, और 125 में जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना, क्योंकि इसलिए माइनस कर रहे हैं कि क्योंकि शेषफल मतलब 8 एक्स्ट्रा यही तो बच रहा है, इसी को माइनस करना है हमको, क्योंकि शेषफल 0 लाना है और शेषफल मतलब एक्स्ट्रा वही बचता है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 7 = 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 125
आपका 17 हो जाएगा, तब 65 और 117, अब ये दो संख्या हो गई। अब मालूम ये नहीं कि इन संख्या में कौन सा भाग दें कि सफल ना बचे, तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, इन वो संख्या ढूंढने के लिए हमें करना पड़ेगा ये चीज़ें कि जो 65 है और 117 है, इन दोनों को मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो संख्या मुझे क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। वो भी मसर भाग विधि द्वारा नहीं निकालना है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन से ही लगाना है, क्योंकि आप क्लास 10 में है और क्लास 10 में मसर निकालने की विधि एक ही विधि दी हुई है, वो भी यूक्लिड विभाजन द्वारा, उसी विधि से आपको लगाना है। यह नहीं कि अपना दूसरा ओवर दिमाग लगा दें तो एग्जामर समझ जाएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो आपके बुक्स में दिया है उसी विधि से लगाना पड़ेगा, तो यूक्लिड विभाजन से लगाना है। तो चलिए 65 दिया है और 117, इसमें से बड़ा कौन है, 117, इसलिए हम 117 में पहले भाग देंगे, किसका, 65 का देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले 65 का भाग देते हैं, तो कितना बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा, तो 65 एकम 65, 7 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से 11 में से 6 गया तो बचेगा कितना, 5, तो कितना बच गया, 52। अब शेषफल 0 नहीं आता, अब इतना में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पहले भाज्य होता है, तो भाज्य क्या है 117, तो हम लिखेंगे 117 बराबर भाजक, भाज्य क्या है 65, अगुड़े भागफल कितना है 1, और धन शेष कितना है 52। और कंडीशन वही लिखना पड़ेगा कि आर जो है शेष वो 0 नहीं अभी आया हुआ है, ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन एक बार और लगेगा। तब चलिए अब हम लोग 65 का भाग, 65 में भाग किसका देंगे, 52 का देंगे, तो फिर कितना जाएगा, एक ही बार जाएगा 52 बार, तो यहां से कितना बचेगा आपका, यहां से बच गया 3 और यहां से बच गया 1, 13 बच गया, फिर शेषफल 0 नहीं आया, फिर हम लोग लगाएंगे। तो अब यहां पे भाज्य क्या हो गया 65, तो अब लिखेंगे 65 बराबर, अब भाजक क्या हो गया 52, अब भागफल कितना हो गया 1, और शेषफल कितना बच गया 13। और यहाँ पे भी कंडीशन जो है कि शेषफल 0 अभी नहीं आया है, यूक्लिड विभाजन लगाना पड़ेगा। अब हम 13 का भाग देंगे 52 में, तो 13 चौको 52, अब शेषफल आ गया आपका 0, तब शेषफल आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे यूक्लिड लगाएंगे आप, तो भाज्य क्या हो गया 52, अब भाज्य क्या हो गया 13, अब भागफल क्या हो गया 4, और शेषफल यहाँ पे क्या बचा है 0। अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0, और जब कंडीशन आर बराबर 0 आ जाता है वहीं ब्रेक कर देते हैं। अब किस संख्या से भाग देने पर 0 आया है, तो 13 से, मतलब यहाँ हमको ये मालूम चल गया कि 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा वह होगा 13। आ यही तो हमको ज्ञात करना था कि जो इसका एचसीएफ होगा वही संख्या होगी, तो 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप भाग देके देख सकते हैं कि इस 13 का भाग अगर 70 में देंगे तो 5 शेष पर बचेगा, क्योंकि 13 5 65 5 बच गया कि नहीं। आ इसी तरह 13 का भाग 125 में देंगे कि तो शेष पर आपका 8 बचेगा, और तो इसलिए आप इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक लगातार मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, और क्वेश्चन नंबर चौथा आप समझिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर पांचवा है, ये दोनों पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और दोनों क्वेश्चन सेम ही है। लिखा है कि संख्या 130 और 280 का मसर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए, और एक ठे क्वेश्चन है उसी संख्या को यहाँ पुट अप कर दिए, मतलब संख्याओं 135 और 225 का मसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में बता देता हूँ कि 125 और 225 का मसर कैसे ज्ञात करना है, उसी के अनुसार आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि 130 और 280 का मसर कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका क्या करते हैं, मसर बता देते हैं, उसी के अनुसार इसको कर लीजिएगा। तो देखिए 135 और 225 का मसर ज्ञात करना है, बड़ा क्या है 225 है, ठीक है। अब आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रफ कार्य में करना पड़ेगा कि 225 में किसका भाग देना पड़ेगा आप लोगों को, 135 का, तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार 135, तो यहाँ बचेगा आपको क्या 0, और यहाँ पे 9 3 12 90 बचेगा। अब इतना में आप लोग यूक्लिड विभाजन से लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो भाज्य क्या है 225, तो 225 बराबर भाज्य क्या है 135, अब भागफल क्या है 1, और शेषफल कितना है 90, और कंडीशन क्या होगी, जो आर है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब भाग फिर जाएगी। अब हम 90 का भाग देंगे 135 में, तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा 90 कम 90, तो यहाँ पर जाएगा 5, या 9 4 13 यानी 45, फिर लगाएंगे तो भाजी इसमें क्या हो जाएगा 135 बराबर, अब भाजक क्या हो जाएगा 90, और गुड़े भागफल क्या हो जाएगा 1, और शेषफल कितना बच गया 45, और कंडीशन वही रहेगा ज्वार जो है उससे 0 के बराबर नहीं है, मतलब भाग एक बार फिर जाएगी। अब 45 भाग देंगे 90 में, तो 45 2 90, अब शेषफल आपका 0 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि 90 बराबर 45 गुड़े 2, और शेषफल कितना 0 आया, यहाँ पे शेष जो है 0 के बराबर है, इसलिए किससे 45 से भाग देने पे कितना आ गया है, शेषफल 0 आ गया है, इसलिए यहाँ पे, इसलिए दोस्तों इसका जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए
135 और 225 का मस कितना हो गया आपका 45, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के बेस पे आपको ये भी क्वेश्चंस कर लेना है 130 और 280 का मस, एक बेहतर ढंग से तैयारी में करा रहा हूँ आप लोग, बस पूर्ण विश्वास मानिए पूरा क्वेश्चन समाप्त करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लोग सारा करके आएंगे अगर लगातार कंटिन्यू वीडियो आप देख रहे हैं तब। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम वही है, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72, 120 का मस और लस ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, बस क्वेश्चन को करिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो कैसे होगा, तो देखिए मस भी निकालना है और लस भी निकालना है, तो पहले चलिए देखते हैं 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लीजिए 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 3, मतलब इसे 2 × हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 72 है, 72 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 72 का होगा 2 से कटाएंगे तो 36 बार में, 2 से कटाएंगे तो 18 बार में, 2 से कटाएंगे तो 9 बार में, 3 से कटाएंगे तो 3 बार में, 3 से कटाएंगे तो 1 बार में, इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए 2 3 बार है तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 2 बार पे है तो इसलिए 3 × 2, मतलब इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब 120 है, अब 120, अब 120 का एलसीएम निकाले देखिए कितना होगा, तो 120 का अगर आप निकालते हैं तो 2 से कटाएंगे 60 बार में, 2 से कटाएंगे 30 बार में, 2 से कटाएंगे तो 15 बार में, 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, या फिर 5 से कटाएंगे तो कैंसिल, मतलब 120 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 3 बार है तो इसे लिखें 2 × 3 और यहाँ पे 3 × 5, ठीक है ये लिख सकते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट हो गया, अब इसे हम क्या निकालना है मस और लस, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं मस, तो देखिए मस निकालने के लिए क्या होता है, तो मस जब भी निकालें दोस्तों तो ये होता है उभयनिष्ठ, बात ध्यान समझिए यही अंतर होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घातें, की छोटी घातें लेने पर, ठीक है लेने पर, मतलब कि जिसमें से जो कॉमन मिल रहा है और उस वो लेना है और उसमें से भी छोटी घातें, तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, तो ये कॉमन मिल रहे हैं लेकिन 2 × 3 है, 2 × 3 या 2 × 1 है, तो सबसे छोटी घात लेंगे, मतलब क्या लेंगे 2। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 3 तो है लेकिन सबसे छोटी घात क्या है 3 है, इसलिए 2 × 2 × 3 लेंगे। 5 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, बस 2 और 3 काम नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 × 3 = 6, 6 इन दोनों का क्या होगा मस होगा। ठीक है, तो इन दोनों इन संख्याओं का मस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब इसका लस निकालेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों तब लस निकाल लेते हैं, तब मस तो जान गए आप लोग 6, और लस में क्या होता है देखिए लस में अंतर समझिए, लस में दोस्तों बस अभाज्य, देखिए इसमें उभयनिष्ठ नहीं रहेगा, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात लेने पे, ठीक है बड़ी घात लेने पे, अंतर समझ गए आप लोग, उसमें उभयनिष्ठ लिया जाता है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं लिया जाता है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें 2 इसमें 2 2 है, तो 2 का सबसे बड़ी घात क्या हो गया 2 × 3 ले लिया, 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 × 2 है, तो 3 × 2 ले लिया, 5 है, 5 में सबसे बड़ी पावर क्या है 5 है, तो 5 ही ले लेंगे, यानी 2 × 3 का मतलब समझ रहे हैं कि 2 × मतलब कितना होगा 8 हो जाएगा, और 3 × 2 का मतलब कितना हो गया 9 हो गया, अरे 5 तो 8 × 9 = 72, अब 72 अब गुणे कितना हो जाएगा 5, और 72 में 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कि 5 × 2 = 10 और 7 × 5 = 35 × 36 कितना 360, तो 360 इसका क्या आ जाएगा लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप समझ गए मौसम में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिया जाता है और भी छोटी घाते, और देखिए लस में उभयनिष्ठ नहीं सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात ली जाती है 360। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना क्वेश्चन रखता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी बनेगी, ठीक है तो आप बस इतना ही करते रहिए, रेगुलर वीडियो मैथ की जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने दूंगा जब तक मैं रहूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, आप बस अच्छे से पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।